और जो कोई गला कर ले बगैर इजाजत के कोई चीज उठाए, या तभी मा गल उमल के अमां आएगा वो अपने गला के साथ क्यामत के दिन। हदीस में है क्यामत के दिन एक शख्स आएगा उसके कंधे पर बकरा होगा, एक शख्स आएगा उसके ऊपर ऊंट होगा, एक शख्स आएगा उसके ऊपर जमीन पड़ी हुई होगी, सातवीं जमीन तक इसने प्लाट चोरी की, जमीनें चोरी की, प्लाट चोर जमीन चोर कब्जा माफी हा गुर अपने आयत निकालो। मई अगलुल और जो कोई बगैर इजाजत की चीज उठाए या तभी मा गल उमल क्यामा आएगा वो अपने चोरी समेत क्यामत के दिन। सुम्मत वफा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर इंसान को जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून और उनके साथ जुल्म नहीं होगा। आपने फरमाया ऐसा ना हो कि क्यामत के दिन तुम बकरियां ऊंट जमीने चोरियों समेत आओ और नारा लगाओ क्या अगिसनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बारवा पारा। या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला पैगंबर फरमाते क्यामत के दिन चोर होगा। ये चोरों का नारा है। अगिसनी या रसूल अल्लाह अकूलु ला अमलिकु लक शैया कद बल्लगतो, मैं कहूंगा मैं कुछ नहीं कर सकता मैंने दीन पहुंचाया था। अफमन इत्तबा रिद्वान अल्लाह, आया वो जो इत्तबा करता हो अल्लाह की रजा का हर वक्त खुदाई खुशनुदी में है। कमन मानिन उस शख्स के हैं बाब सखत मिन अल्लाह, जो लौट गया खुदा की नाराजगी लेकर। वमावाहु जहन्नम और उसका ठिकाना दोज़ख है। ये चोर की सजा है जिसने ऐसा किया है। वबिसल मसीर और नाकारा बाज गश्ते हुम दरजातुन इंदल्लाह लहुम दरजातुन इंदल्लाह, ये दर्जो वाले हैं अल्लाह के यहाँ। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून और अल्लाह देख रहे हैं जो ये अमल करते हैं। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यकीनन एहसान किया अल्लाह ने मुसलमानों पर। इज बअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, जबकि भेजा इन्हें पैगंबर इनमें। यतलू अलैहिम आयातिही, जो पढ़ते हैं इन पर आयतें उसकी। और युज़क्कीहिम, पाक करते हैं इनको तालीमात के जरिए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और सिखाते हैं इनको कुरान और सुन्नत। वइन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, अगर थे ये इससे पहले खुली गुमराही में।